हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन वन यानी जिसका कि नाम है मीट माय फैमिली, इसका हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। अमन्स फैमिली इज गेटिंग रेडी फॉर ए पिकनिक। अमर का जो परिवार है वो पिकनिक के लिए तैयार हो रहा है। व्हाट आर दे डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं। मैच द पीपल इन कॉलम ए विद देयर करेक्ट एक्शंस इन कॉलम बी। कॉलम बी में एक्शन दिया गया है और वो एक्शन यानी वो काम कौन कर रहे हैं इसके साथ मिलान करना है। ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं आप चित्र में देखिए, ही इज पुटिंग फ्रूट्स इन अ बैग। उसके बाद है ग्रैंडमदर, सी इज कॉम्बिंग हर हेयर यानी वो अपने बाल में कंघी कर रही है। फादर, ही इज मेकिंग सैंडविचेस, फादर सैंडविच बना रहे हैं। मदर, सी इज वाइपिंग टेबल, वो टेबल साफ कर रही है। सिस्टर, सी इज पुटिंग टॉयज इन द बास्केट, वो खिलौनों को बास्केट में टोकरी में रख रही है। और ब्रदर जो है मस्ती में सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। अब चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में दिए गए शब्दों को सही शब्दों को चुन करके लिखना है। अमन इज, अमन कितने साल का है तो 6 years old, वो 6 साल का है। अमन्स ग्रैंडफादर मेक्स ब्रेड्स एंड, अमन के जो दादाजी हैं वो ब्रेड और क्या बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, तो यहाँ केक लिखा जाएगा। मिसेज रेखा शर्मा इज अ राइटर और डेंटिस्ट, तो मिसेज रेखा शर्मा क्या है, एक राइटर है। हार्दिक ड्रिंक्स मिल्क, हार्दिक जो है वो क्या करता है, दूध पीता है क्योंकि वो 4 महीने का है। मिसेज अनिता शर्मा टेक्स केयर ऑफ पीपल्स टीथ, क्यों, क्योंकि मिसेज शर्मा एक डेंटिस्ट हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। नाउ लेट्स मूव टू द वोकैबुलरी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में जो है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है, आपको उसको ठीक ढंग से लिखना है। विवेक इज द हस्बैंड ऑफ अनीता, यहाँ हस्बैंड पर आ जाएगा, SUSBAND। रिया इज द डॉटर ऑफ अनीता, यानी रिया जो है वो अनीता की बेटी है। डॉटर का स्पेलिंग BAUGHTER। सी नंबर, हार्दिक इज द ग्रैंड सन ऑफ रेखा, रेखा का पोता हार्दिक है। ग्रैंड सन का स्पेलिंग GRANDSON। डी नंबर, विवेक इज द सन ऑफ रेखा, तो रेखा के बेटे का नाम क्या है, विवेक, तो विवेक कौन लगा, सन, तो स्पेलिंग SON भरें। रेखा इज द वाइफ ऑफ अशोक, तो रेखा कौन है, अशोक की पत्नी है, तो व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर वाइफ, WIFE। विवेक एंड अनीता आर द पेरेंट्स ऑफ अमन, अमन के माता पिता कौन है, तो विवेक एंड अनीता, तो पेरेंट्स का स्पेलिंग PARENTS। अशोक एंड रेखा आर द, अशोक और रेखा हार्दिक के कौन है, बिल्कुल सही जवाब, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स का स्पेलिंग क्या होगा, GRANDPARENTS। अब हम चलते हैं मदर पर, वेयर आर यू सन, यहाँ पर क्या भरेंगे, वेयर भरेंगे। आई एम सैड, मैं बहुत उदास हूँ, मदर, तो फिर क्या पूछेगी, क्यों उदास हो, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, why आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। अक्षय, आई कैन नॉट फाइंड माई बैग एनी वेयर, मेरी बैग कहीं नहीं मिल रही है, तो मदर, वेयर डिड यू कीप इट, तुमने कहाँ रखा था। अच्छा, आई हैड कैप्ट इट ऑन दिस बेड, मैंने बिछावन पर ही रखा था। मदर, व्हेन डिड यू कीप इट हियर, तुमने यहाँ कब रखा था। अच्छा, आई हैड कैप्ट इट हियर इन द आफ्टरनून, मैंने दोपहर के बाद यहाँ रखे थे। मदर, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू फाइंडिंग इट, ठीक है, मैं इसे खोजने में तुम्हारी मदद करूँगी। हुज बैग इज लाइंग ऑन द सेफ ओवर देयर, अरे ये सेफ पर किसकी बैग रखी हुई है। इट इज रेवाज बैग, अरे ये रिवा की बैग है। मदर, तभी उन्हें कोई साउंड सुनाई देती है। मदर, हु इज इट, कौन है। इट इज मी, रेवा बोलती है, इट इज मी। मदर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या खोज रही हैं। उसके बाद फिर वी आर लुकिंग फॉर अक्षय बैग, हम लोग अक्षय के बैग को खोज रहे हैं। रेवा फिर बताती है कि ये कपबोर्ड में है। अक्षय फिर थैंक यू बोलता है और मदर बोलती है कि तुम्हें अब भी अपना बैग रूम सब साफ रखना चाहिए और अपने बैग को कपबोर्ड में रखना चाहिए। अब हम चलते हैं आर्टिकल के तरफ। बच्चों, ए और एन, ए लगता है जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले
वर्ड्स हैं उनके पहले, और एन लगता है जितने भी वॉवल साउंड वाले वर्ड्स हैं उनके पहले। तो यहाँ पर आई एम लाइटिंग, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद लैम्प लिखा हुआ है, यानी मैं लैम्प जला रहा हूँ। तो लैम्प का यदि पहला अक्षर आप देखें तो एल से शुरू होता है, और एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले मैंने कहा क्या लगेगा, ए लगेगा, तो आई एम लाइटिंग ए लैम्प। उसी तरीके से माई मदर वर्क्स इन एन ऑफिस, ओ इसलिए एन लगा, ही इज गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऋषभ हैज नेवर सीन एन ईगल, प्रकाश इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां पर एस लिखा गया है, एस तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यदि आप ध्यान दें, मैंने कहा कॉन्सोनेंट साउंड, यहां पर हम लोग ओ का उच्चारण ऑनेस्ट कर रहे हैं, यहां पर एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, इस वजह से ऑनेस्ट के पहले एन लगता है। अब फिर हम लोग चलते हैं इसी पार्ट में टू नंबर पर, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहां पर भी आपको आर्टिकल ही भरना है। प्रीति इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला यू से शुरू होता है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो वॉवेल साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग एन लगाएंगे। प्लीज ओपन द विंडो, खिड़कियों को खोल दो। सपना इज सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बेंच पर वो बैठी हुई है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूर्य जो है वो तेज चमक रहा है। आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, मैंने एक हाथी को कहाँ देखा, जू में देखा। अब स्टूडेंट्स हम लोग जी नंबर में चलते हैं, जहाँ पर कि हम लोग राइटिंग लिखना है। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, माय नेम इज, और उसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है। सेकेंड में हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हैं या आपकी उम्र कितनी है, तो आपको इसका आंसर लिखना है आई एम, और उसके बाद आप जितने साल के हैं वहाँ पर लिख दें ईयर्स ओल्ड, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। आप 8 लिखिए, 6 लिखिए, 11 लिखिए, 10 लिखिए, आप जितने साल के हैं उतना लिखिए। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को गिन लीजिए और फिर लिखिए देयर आर डैश मेंबर्स इन फैमिली, यानी मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, तो डैश के जगह पर आप सदस्यों की संख्या लिखेंगे। व्हाट इज योर मदर्स नेम, इसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे आप लिखिए माय मदर्स नेम इज, और उसके बाद एक खाली स्थान है, उस खाली स्थान में आपको अपनी माँ का नाम लिखना है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, उसी तरीके से ठीक मदर्स नेम के जैसा ही आपको फादर्स नेम लिखना है, माई फादर्स नेम इज, और उसके बाद फिर खाली स्थान है, उस खाली स्थान में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। हाउ मैनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव, यदि आपके कितने भाई बहन हैं, यदि आपके जितने भी भाई हैं, खाली स्थान में आई हैव डैश ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो खाली स्थान में उतने भाई की संख्या भर दें, उसके बाद एंड डैश सिस्टर्स, तो फिर खाली स्थान में आपकी जितनी बहनें हैं उसमें डाल देंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, टिल देन इट्स टाइम टू सी यू, बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।